हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, दो सब्जेक्ट में जो फेल थे ऐसे स्टूडेंट को यहां पर दो सब्जेक्ट में पूरक की पात्रता दी जाएगी, यानी कि दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने की पात्रता दी जाएगी। ये पूरा बात साफ शब्दों में स्पष्ट हो चुका है। जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन में सारा चीज़ मेंशन होगा। फिर से आपके लिए पोर्टल को ओपन किया जाएगा। दो सब्जेक्ट में जो फेल थे वे दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकती हैं। तो ये आप सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, प्रदेश के 80,000 स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है। प्रदेश में लगभग 80,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दो सब्जेक्ट में फेल हैं, तो उनको दो सब्जेक्ट में वापस सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका 2022-23 शैक्षणिक सत्र में दिया जा रहा है। अचानक यह डिसीजन सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा लिया गया और अचानक से उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सारे यूनिवर्सिटी के कुल सचिव की मीटिंग रखी गई थी 10 अगस्त को। उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया, सारे पैमाने सारे बात को सामने रखा गया और उन्होंने ये सोचा इस साल अच्छे से बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, अच्छे से उनको थ्योरी का नॉलेज क्लियर नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन 3 साल चला, इसका इफेक्ट स्टूडेंट ऊपर पड़ा है और हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बेहतर तरह से एजुकेशन इस बार नहीं दे पाए हैं। इसी वजह से ज़्यादा स्टूडेंट इस बार बीए बीकॉम बीएससी में फेल हैं। तो इसी वजह से कुल सचिव, जितने भी कुल सचिव सारे यूनिवर्सिटी के, प्रदेश में लगभग 9 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें से 6 यूनिवर्सिटी में वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाती है और 3 यूनिवर्सिटी जो है वो सेमेस्टर वाला चलता है वहाँ पे। तो इनके बीच बैठक लिया गया उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा और उन्होंने कहा कि हम अध्यादेश में चेंज करेंगे और दो सब्जेक्ट में फेल वाले स्टूडेंट को दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का यहाँ पर यानी कि पूरक दिलाने का मौका देंगे। तो अध्यादेश क्रमांक 6 में यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अध्यादेश 6 में पहले ये रूल था कि एक सब्जेक्ट में ही फेल होने वाले को यानी कि एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिया जाता था। अब दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो दो सब्जेक्ट में जब उनको पूरक दिया जाएगा तो अध्यादेश में चेंज करना पड़ेगा। तो अध्यादेश में जल्द से जल्द चेंज होगा, उसके बाद आपके लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज होगा। देखिए सिर्फ ना, अभी एक बात और है कि देखिए जब कोई भी चेंजेस करना पड़ता है ना तो विश्वविद्यालय परिषद में और विद्या परिषद में बैठक होती है और उस बैठक में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी के मुख्य को आना होता है और सारे यूनिवर्सिटी के जो मुख्य हैं उनमें कार्य प्रति विश्वविद्यालय विद्या परिषद की बैठक होगी और कार्य परिषद की बैठक होगी और वहां पर जितने भी नियम कानून होंगे दो सब्जेक्ट में फेल वाले को दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री देने का, तो बैठक होने के बाद उसमें बदलाव किया जाएगा। बदलाव करेंगे नियम में, फिर छात्रों के लिए यहां पर अधिसूचना जारी की जाएगी दो सब्जेक्ट में सप्ली के लिए, दो सब्जेक्ट में पूरक के लिए। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो भी स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में फेल थे, दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री की तैयारी आप घर बैठे अच्छे के साथ कीजिए। एकदम फिक्स है, 100% है कि आप लोग के लिए फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा और दो सब्जेक्ट में फेल है तो दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आप लोग दिला सकती हैं। मामला पूरी तरह से साफ हो चुका है, उच्च शिक्षा विभाग ने भी आदेश दे दिया है और जितने भी यूनिवर्सिटीज थे बीए बीकॉम बीएससी जो वार्षिक स्तर पर परीक्षा कंडक्ट कराई जाती थी उन सब ने भी हामी भर दिया है। बस अब विद्या परिषद और कार्य परिषद की बैठक होगी, उसके बाद 100% यहीं से आप 100% मानिए, मेरा पूरा गारंटी एकदम सब चीज़ क्लियर हो चुका है। न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, ये हरिभूमि का न्यूज़पेपर है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखा गया है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अब बात आती है कि 3 सब्जेक्ट में जो फेल हैं या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं इनके साथ क्या होगा। तो देखिए भाई, इनका कहना ये है कि दो सब्जेक्ट में फेल वाले को जब दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका दिया जा रहा है तो 3 सब्जेक्ट में जो ज़्यादा में फेल है उनको भी सप्लीमेंट्री यानी कि एक बार फिर से एग्ज़ाम दिलाने का मौका दिया जाना चाहिए, बहुत लोग का कहना है ये। और उनका कहना कहीं ना कहीं भाई ये सही भी है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए भाई, रूल के अकॉर्डिंग तो एक सब्जेक्ट में ही सप्लीमेंट्री था, अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट फेल वाले को दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका दिया जा रहा है तो कहने के रूल को तो तोड़ रही है यूनिवर्सिटीज, उच्च शिक्षा विभाग। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट में है और 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं इनके बारे में भी तो यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको भी यही सोचना चाहिए कि 3 साल ऑनलाइन में एग्ज़ाम हुआ और कॉलेज का अच्छा सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है, कुछ नंबर की वजह से वो भी 3 सब्जेक्ट 3 से ज़्यादा में फेल आ गए हैं।
तो उनको भी एक बार सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो 3 सब्जेक्ट में हो चाहे वो 4 सब्जेक्ट फेल हो। जब लागू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी तो सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से एग्ज़ाम दिलाने का मौका दिया जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये मत है। सही बात है ना भाई, आप लोग खुद सोचो ना, ऐसे में उन सारे स्टूडेंट के साथ ना ये बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट फेल वाले को 2 सब्जेक्ट सप्लीमेंट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यार उन सारे स्टूडेंट को भी जो 3 से या 3 से ज़्यादा में फेल थे उनको भी एक मौका दे देना चाहिए। अगर वो लोग सच में पढ़ के गए, अपने आप को काबिल बना के गए तो एग्ज़ाम में वो लोग पास होके आएंगे, और नहीं पढ़ के आए तो क्या कोई तो उन लोग की गलती है, लेकिन मौका दे देना चाहिए। रूल में जब चेंज कर रहे हैं तो करना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं यार, ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताया हूँ और आप लोग के कमेंट को एक उजागर किया हूँ, लेकिन अभी तो सिर्फ बात मसला सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल वालों को 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री की छिड़ी है। 3 सब्जेक्ट 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट जो फेल हैं इनके बारे में कोई रूल्स और कोई भी रेगुलेशन यहाँ पर नहीं आया है। प्रदेश में इस बार लगभग डेढ़ लाख स्टूडेंट सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिलाएंगे, 1.5 लाख स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि फेल होने का परसेंटेज 60% है और पास होने का परसेंटेज 40% है पूरे प्रदेश के यूनिवर्सिटी को मिलाकर। अब देखिए, अब बात करते हैं जहाँ पर भी सेमेस्टर वाइज बीए बीकॉम बीएससी का पढ़ाई हुआ है तो सेमेस्टर सिस्टम के लिए ये 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री वाला रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि सेमेस्टर के लिए तो अलग से सुविधा दी गई है ATKT का। 2 सब्जेक्ट में जो सप्लीमेंट्री का लाभ सिर्फ वार्षिक परीक्षा दिलाते हैं ना BA BCOM BSc के स्टूडेंट, उनको ही दिया जाएगा, चाहे आप रेगुलर के हो चाहे प्राइवेट के हो। लेकिन जहां पर BA BCOM BSc की पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होता है वहां पर उनके लिए ये योजना बिल्कुल भी नहीं है। जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं यदि वो फेल हो गए होंगे, चाहे MA हो MCOM MSc हो, उनके लिए भी ये रूल नहीं है, सिर्फ UG अंडर ग्रेजुएट BA BCOM BSc के लिए है, जहाँ पर वार्षिक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, चाहे फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकंड ईयर के चाहे फाइनल ईयर के, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जहाँ पर वार्षिक स्तर पर आपका एग्ज़ाम लिया गया है वहीं पर 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री की पात्रता दी जाएगी। ओके, और प्रदेश में 9 यूनिवर्सिटी है जिसमें 6 यूनिवर्सिटी में वार्षिक परीक्षा कंडक्ट होता है BA BCOM BSc का, 3 यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज चलता है, तो वहाँ पर ये योजना लागू नहीं होगा। जल्द से जल्द अगले वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन में सब चीज़ डिटेल से रहेगा, फॉर्म कैसे भरना है, किस वेबसाइट में भरना है, कितना पेमेंट करना है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, पूरा डिटेल से लिखा रहेगा। आई होप वीडियो समझ में आपको आ गया होगा। अब बहुत लोग कल ये पूछे थे एक भाई कि सप्ली का जो एग्ज़ाम है ये सप्ली का एग्ज़ाम कब होगा, चाहे आप 1 सब्जेक्ट के सप्ली का फॉर्म पहले से भर के रखे होंगे या 2 सब्जेक्ट का जब सप्ली का फॉर्म आप भरेंगे नोटिस आने के बाद, तो इनका एग्ज़ाम आखिर कब होगा। देखो भाई, कल ही न्यूज़पेपर में एक प्रकाशित हुआ था आर्टिकल जिसमें लिखा गया था कि सप्ली का जो एग्ज़ाम है सितंबर में होगा, ऐसे लिखा गया था, सितंबर के 2 सप्ताह में या 3 सप्ताह में हो सकता है। देखिए भाई, इतना मान के चलिए एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि डेट चेंज होती रहती है ना। यूनिवर्सिटी भी बोल सकती है कि सितंबर के 1-2 सप्ताह में होगी, 3 सप्ताह में। मैं बस यही कहना चाहूँगा, देखिए भाई, आप डेट के पीछे मत पड़िए, आप तैयारी पर फोकस कीजिए। आपका सप्ली का जो एग्ज़ाम है इतना बोलूँगा सितंबर में ही होगा, चाहे सितंबर के 1 सप्ताह में हो चाहे 2 में हो चाहे 3 में चाहे सितंबर के लास्ट में हो, इतना मैं बोलूँगा कि सितंबर में ही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं मालूम भाई, है ना। एडमिट कार्ड आने के बाद ही आपको एग्जैक्ट डेट पता चलेगा। तो आप लोग, एक भाई साहब आओ कमेंट किए कि सितंबर के कौन से सप्ताह में होगा, मैं बोला भाई सितंबर के किसी भी दिन एग्ज़ाम हो सकता है, है ना। तो आप लोग बस अपनी तैयारी पर फोकस रखिए, ठीक है ना। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताता भाई, मैं बताता हूँ कि किस मंथ में हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मुझे कहाँ से पता चलेगा, बस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो पता चलता है उसको मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो सितंबर के किसी भी दिन किसी भी सप्ताह आपका एग्ज़ाम हो सकता है सप्लीमेंट्री का, ओके। और रीचेकिंग का रिजल्ट भी सितंबर में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो जिस दिन सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा 10-15 दिन पहले रीचेकिंग का रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। अब कई लोग ये कमेंट किए थे कि जब 2 सब्जेक्ट में फेल थे उनको सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका दिया जा रहा है, तो 1 सब्जेक्ट में जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म पहले से भरे उनको डायरेक्ट पास कर दिया जाना चाहिए, ऐसा कई लोग कमेंट किए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, आप लोग के लिए तो अपॉर्चुनिटी की बात है कि 1 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका आपको दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए, लगभग महीने भर का समय है, और तैयारी ऐसे करो कि एकदम एक बार भी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओ, दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
साल आपका बर्बाद हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि साल बर्बाद हो। फालतू चीज़ों से आप बचो और घर में मस्त सेपरेट तैयारी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करो। इस बार जो भी एग्ज़ाम हुए थे आपके वार्षिक एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम, उस क्वेश्चन पेपर को भी आप कलेक्ट कर लो और उसका भी तैयारी करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, लिखने का आप प्रैक्टिस करो। कैसे लिखना है इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, सप्ली का पेपर कैसे आता है, जैसे नॉर्मल वार्षिक एग्जाम का आता है सेम उसी पैटर्न में आपका सप्ली का पेपर भी आता है। ये भी डाउट था, ये भी क्लियर कर दिया। और कुछ डाउट तो छूटा नहीं होगा आप लोग का, लगभग सारे डाउट मैंने क्लियर कर ही दिए हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करना। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में, ज़रूरतमंद में इस वीडियो को शेयर कीजिए।